वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत टाइम बाद कैमरा के सामने बोल रही हूँ क्योंकि सब शादी की तैयारियाँ चल रही थी। बट एनीवेज अब शादी जो है वो पोस्टपोन हो गई है, तो इट वॉज अब मेरी तो सारी तैयारियाँ हो गई है। बट हम सारी चीज़ों को साइड करके अब अपने कॉन्टेंट्स पर बैक टू बैक कंटिन्यू आते हैं। एक्चुअली वीडियो शूट की है मैंने आपको सारी, वो मैं लेकिन बताऊँगी कब मैं दिखाऊंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ, तो अब टॉपिक में आते हैं कि हमको मेकअप कैसे रिमूव करना चाहिए। हम लोग को मेकअप रिमूव करने के लिए क्लिनजिंग मिल्क होना चाहिए और उसे अपने फेस में अप्लाई कर लेना है। ये पहले तो हम अपनी लैशेस निकाल लेंगे। ये इस तरह हमने अपनी लैशेस निकाली, मसाज देंगे। जितनी देर आपने अपने मेकअप को करने में लगाया उतनी देर आपको अपना मेकअप रिमूव करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्किन के पोर्स के अंदर बहुत देर मेकअप अंदर घुस जाता है, तो हमें उसको अच्छे से रिमूव करना है। यू कैन यूज़ मैसेलर वाटर, क्लेंजिंग मिल्क और कोकोनट ऑयल। इससे अभी हम लोग करेंगे क्लीन, इस तरह मेकअप निकल रहा है। तो हमने मेकअप रिमूव किया, इसके बाद हम करेंगे डबल क्लींस। फिर से हमने अपने मेकअप को क्लीन करना है। इन्हीं हाथों को फिर से लेंगे और सी कॉस्मेटिक्स से आपके स्किन को थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है, इसलिए आप अपने मेकअप को एकदम अच्छे से रिमूव करो। लाइक मैं जब पहले मेकअप करती थी तो मैं बस माइसलर वाटर से क्लीन करती थी और फेस वॉश करती थी, हो गया। एक्ने हो गए थे, बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, मेकअप सूट नहीं करता, मैं ऐसा सोचती थी। बट मेकअप रिमूविंग पार्ट जो है उसको अच्छे से करना है, और मेकअप करने से पहले जो आप मॉइस्चराइजिंग वगैरह करते हैं वो अच्छे से करना है। देखो अभी कितना, अभी भी निकल रहा है बट थोड़ा कम पहले से। यहाँ आप ये पार्ट जो है मेकअप रिमूविंग का वॉशरूम में करो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बार करने के बाद आप हैंड वॉश कर लिए या सैनिटाइज कर लिए उसके बाद कर लिए। फिर शूट कर रही हूँ इसीलिए मैं यहीं पे बैठ के कर रही हूँ, वरना मैं भी वॉश हैंड हैंड वॉश कर लेती हूँ। उसे भी कम लिया मैंने। आप चाहें तो इतनी सारी कॉटन ना वेस्ट करके एक नैपकिन रख सकते हो अपने लिए, उसके चारों कॉर्नर्स को आप यूज़ कर लो, छोटे छोटे कॉर्नर्स को, और फिर उसको अच्छे से वॉश करके फिर रख दो। पहले मैंने ऐसा भी किया है। देखो अब की बार बहुत कम निकल रहा है, बहुत ज़्यादा कम निकल रहा है। फिर एक बार हम और करेंगे, कम निकल रहा है तो उसके बाद हम फेस वॉश करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कौन सा फेस वॉश करना है। देखो मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है बट स्किन को साइड इफ़ेक्ट ना हो इसलिए क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल क्लींजर है, कोई ऐसा क्लींजर नहीं है। हैंड क्लीन लास्ट, हमने टोटल 5 टाइम क्लींस किया है अपने फेस को। बहुत ज़्यादा कम मेकअप में। ओके गाइस, तो मेकअप क्लींस हो चुका है, अब हम करेंगे अपना फेस वॉश। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ शहनाज़ हुसैन का फेस वॉश तुलसी एंड नीम, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है। वैसे मैं मेकअप रिमूव करने के बाद ही बस ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, डेली में नहीं। तो अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ। मैंने सिर्फ ये एक ड्रॉप लेना है और मैं ये फेस वॉश करके आती हूँ। ओके गाइस, सो मैंने फेस वॉश कर लिया, फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है। आप चाहें तो फेस वॉश भी डबल बार यूज़ सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद आपने अपना स्किन केयर करना है। स्किन केयर में मैं ये नॉर्मल लोशन लगा रही हूँ, एलोवेरा विटामिन ई लोशन है। तो आप अपने फेस में जो भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये NMF विटामिन ई डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन, दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, और ये बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब होता है, और ये ऑयली स्किन और सारे टाइप की स्किन के लिए है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये मुझे मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया था, तो तब से मैं ये अप्लाई करती हूँ, और ये आपको मेडिकल्स में मिलेंगे। मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करना है।
जैसे कि मम्मी ने याद दिलाया कि जूस पी लो। अपने स्किन का केयर करना है, अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, बहुत सारा पानी जूस को और सब कुछ लेते रहना है। शूट करने के टाइम मैं सब भूल जाती हूँ अपना, जो भी मम्मी मेरे को अभी ला कर दी थी जूस, मैं फिर भी नहीं पी पा रही थी और मम्मी ने अभी याद दिलाया तो पी लिया है। मैंने एक बार मॉइस्चराइजिंग कोटिंग कर ली है, मैं दूसरी बार फिर से लगा रही हूँ। अच्छे से अपने मॉइस्चराइजर को हीट करके अब हम मॉइस्चराइजर को डैब डैब करेंगे ताकि मॉइस्चराइजर अंदर सेट हो जाए हमारे पोर्स में। मीन्स बस इतना ही करते हैं मेन स्टेप्स, इसके बाद आप करो नाइट केयर अपना, चाहे जो भी आप स्किन में डेली केयर करते हो वो करो। आई क्रीम लगाओ और स्पॉट्स क्रीम लगाओ और लिप बाम लगाओ। लिप बाम तो मैं भूल गई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।